मनी में मंजन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने बोनस इशू डिक्लेयर किया और उसका रिकॉर्ड डेट दिसंबर में है। अगर आपके पास है तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए, या नीचे और आता है तो नीचे के लेवल पे आप ले सकते हैं। तो इस कंपनी का अगर आप देखेंगे 1:2 रेशो के हिसाब से कंपनी बोनस शेयर देने वाली है, तो 1 new equity shares ऑफ ₹10 इज फॉर एवरी 2 existing equity shares। अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं तो 5 शेयर फ्री में मिलेंगे, वो भी कंपनी की तरफ से, लेकिन बाद में जो है प्राइस एडजस्ट होता है, लेकिन जो डिविडेंड मिलेगा आपको डिविडेंड में फ़ायदा होता है क्योंकि डिविडेंड ज़्यादा मिलता है। तो इसका कंपनी की डिटेल्स हम देखेंगे, फाइनेंशियल्स कैसा है, ताकि आपको भी आइडिया आ सके, और रिकॉर्ड डेट कब है वो भी हम जानेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बालमेर लॉरियन कंपनी लिमिटेड, दोनों तरफ ये स्टॉक चला है, तो 200 के ऊपर भी 1-3 बार ये एक साल के अंदर गया, और उसके बाद 165 के करीब ये स्टॉक आता है। तो नीचे के लेवल पे लेने का मौका बनता है और ऊपर के लेवल पे सेल करने का मौका बनता है, लेकिन डिविडेंड अगर आप देखेंगे तो एवरी ईयर कंपनी डिविडेंड दे रही है, और काफ़ी लोगों ने होल्ड भी कर रखा होगा, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। और ये जो कंपनी है वो गवर्नमेंट की है, बालमेर लॉरियन कंपनी लिमिटेड, 189 के ऊपर इसकी क्लोजिंग थी, और इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे 2165 करोड़ का मार्केट कैप है, ₹10 का फेस वैल्यू है, 110% का डिविडेंड भी दे चुकी है, लगभग ₹11 होता है। तो इसका अगर आप डिविडेंड रेशो देखेंगे तो एवरी ईयर डिविडेंड देते आई है कंपनी, और बोनस का अगर आप देखेंगे तो 1:2 रेशो से कंपनी ने डिक्लेयर किया है बोनस। पहले 2016, 2013 और 1990 में भी बोनस कंपनी ने दिया है। तो इसका अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो लगभग 400 करोड़ के करीब जो है सेल्स का टर्नओवर था, नेट प्रॉफिट 38 करोड़, 2018 में 417 का था, और 34 करोड़ का प्रॉफिट, लगभग थोड़ा डाउन है, लेकिन जून में अगर आप देखेंगे 430 करोड़ का रेवेन्यूज था और 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ पे बड़ा है। तो मेरे हिसाब से अभी रिकॉर्ड डेट तो लंबा है दिसंबर में, तो नीचे के लेवल पे मिलता है तो उस टाइम पे भी आप ले सकते हैं, मौका और मिल सकता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी पीक के ऊपर है, कोई भी करेक्शन के अंदर नीचे के लेवल पे आप थोड़े ज़रूर स्टॉक ले सकते हैं। तो इसका मैं आपको रिकॉर्ड डेट भी दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया आ सके। तो ये आप देख सकते हैं, NSE के ऊपर भी जाकर इजीली चेक कर सकते हैं, और बोनस इशू 1:2 के रेशो से, और 26 दिसंबर जो है एक्स डेट है, 28 दिसंबर रिकॉर्ड डेट है, मीन्स 26 दिसंबर के पहले आपको लेने पड़ेंगे और 28 तारीख तक आपको होल्ड करना पड़ेगा ताकि आप बोनस शेयर्स के लिए जो है एलिजिबल रह सकों। तो आज इसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप तक हम जल्द से जल्द पहुँचाते रहें। चलिए, थैंक यू।